दोस्तों यहाँ पे कम से कम 3 स्टिकर यहाँ पे होना चाहिए तभी ये लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्टिकर यहाँ पे लगा सकते हैं एक फोल्डर में। यहाँ पे आप फोल्डर का नाम, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप के अंदर अपने फोटो को स्टिकर बना के अपने व्हाट्सएप के अंदर कैसे ऐड करें। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पहला बैकग्राउंड इरेजर और दूसरे का नाम है पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, जो कि आपको प्ले स्टोर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम बैकग्राउंड इरेजर को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, हमको सिंपल यहाँ पर लोड ए फोटो के ऊपर क्लिक करने का है। उसके बाद हम गैलरी में क्लिक करेंगे, उसके बाद हम फोटो कैमरे के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हमने फ़ोटो सिलेक्ट किया हूँ तो फिर हमको थोड़ा इसको यहाँ पे क्रॉस करते हैं। क्रॉस किया फिर ऊपर से थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करने के बाद दोस्तों ऊपर डन का ऑप्शन है, डन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर हमको यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव करने का है, तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी हम इसको रिमूव कर देते हैं बैकग्राउंड को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैनुअल साइज को थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फटाफट इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो बैकग्राउंड रिमूव हुआ है यहाँ पे अगर फेस पे या कहीं पे भी आ जाता है तो आप यहाँ पे रिपेयर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है जहाँ पे थोड़ा बहुत आ चुका है उसको यहाँ से हटा दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ जहाँ जहाँ पे हुआ है। हटाने के बाद दोस्तों इसे हट चुका है, फिर हम उसके ऊपर डन का आइकन डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ 5 वाले पे क्लिक करेंगे, इससे क्या थोड़ा क्लीन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम ऊपर से का आइकन है सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऊपर फिनिश का ऑप्शन, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो है हमारे फोटो स्टिकर हो चुका है, उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब फिर हम बैक चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देते हैं और यहाँ पे एक PNG में इमेज ले लेंगे। चलो हम यहाँ पे PNG में इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे PNG। दोस्तों जैसे यहाँ पे आ गया है, हमको PNG में हैप्पी होली का इमेज चाहिए, तो यहाँ पे हमने टाइप किया था पहले, यहाँ पे आ चुका है PNG हैप्पी होली इमेज, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हैप्पी होली आ चुका है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे और यहाँ डाउनलोड इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं JPEG यानी कि ए PNG में, ये इमेज PNG में नहीं है, इसको हम डाउनलोड नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ पे इसे हम कट कर देते हैं, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। दोस्तों अगर यहाँ से PNG में अगर आपको इमेज नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जो है इस वाले ऑप्शन पर PNG में आप ले सकते हैं। चलो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हैप्पी होली का इमेज आ चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड इमेज का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं PNG आ चुका है,
यानी कि ये इसका बैकग्राउंड रिमूव है, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे PNG आएगा तो समझ लो कि ये आपका स्टिकर बन सकता है। तो हम डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों डाउनलोड हो चुका, हम इसको ओपन करके दिखा दे रहे हैं। दोस्तों इस तरह से PNG में आएगा जिसका कि बैकग्राउंड नहीं है। चलो हम इसको बैक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक और इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम हैप्पी होली को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे मैं एक रोज का इमेज ले लेता हूँ, उसको हम सर्च कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे रोज का इमेज आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे PNG में नहीं मिलता है दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको PNG में नहीं मिलता है तो आप जो है यहाँ पे इस पर आप क्लिक करके PNG में इमेज ले सकते हैं। चलो हम यहीं पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम टाइप कर देंगे जो आपको इमेज चाहिए वो वाला इमेज, यहाँ पे उस इमेज का नाम डाल दीजिए। जैसे हमको रोज का चाहिए तो हम रोज यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की साइड। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं PNG में रोज आ चुका है, बहुत सारे रोज आ चुके हैं PNG में। रोज वाले इमेज के ऊपर हम थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रेस रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो गया है। फिर हम इसको यहीं से ओपन कर देते हैं। दोस्तों हमारा रोज भी यहाँ पे PNG में हो गया है। फिर हम बैक चलते हैं, पूरा बैक आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इस एप्लीकेशन में आ जाएंगे जिसका नाम है पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप। हम इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं प्लस का आइकन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक गैलरी का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और इमेज पे आ जाएंगे। इमेज पे जैसे हमने दोस्तों यहाँ पे आया तो जो हमने यहाँ पे अपना फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया था पहले, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया एक। उसके बाद फिर हम इमेज पे क्लिक करेंगे गैलरी में। उसके बाद यहाँ पे हम डाउनलोड वाला जो हमने डाउनलोड किया था उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हैप्पी होली को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कम से कम 3 स्टिकर यहाँ पे होना चाहिए तभी ये लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्टिकर यहाँ पे लगा सकते हैं एक फोल्डर में। यहाँ पे आप फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, स्टिकर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। वैसे हम फिलहाल हम इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ हमने 3 स्टिकर लगा दिया हूँ। यहाँ पे कम से कम 3 स्टिकर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्टिकर आप एक फोल्डर में रख सकते हैं। फिर हम इसको यहाँ पर डन का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेंडिंग टू व्हाट्सएप, यहाँ पे ये व्हाट्सएप में सेंड कर रहा है यहाँ से। फिर हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये जो है हमारा व्हाट्सएप के अंदर ऐड हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप में। हमने व्हाट्सएप को ओपन किया। उसके बाद दोस्तों हमको जिसको भेजने का है वो स्टिकर हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमको यहाँ पे इनको भेजने का है तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है रिमूव का, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया दोस्तों, हम फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बिंदी है, तो इस बिंदी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आप देख सकते हैं जो हमने स्टिकर यहाँ पे वहाँ पे ऐड किया था वो स्टिकर यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे किसी को भेज सकते हैं इनको, ये रोज का भेज सकते हैं, हैप्पी होली का भी भेज सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप किसी को अपना फ़ोटो का स्टिकर या तो गूगल से कोई भी स्टिकर लेके किसी को आप भेज सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन।